जिला ऊना के 6 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 10 जनवरी को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होना है। जिला ऊना में 3 नगर परिषद एवं 3 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। जिला के 6 शहरी निकायों में कुल 50 वार्ड हैं तथा 53 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन 2 वार्डों नगर पंचायत गगरेट वार्ड 7 व दौलतपुर वार्ड 6 में के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने के कारण अब 48 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसके लिए 51 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टियों को शनिवार को दल बल के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि शहरी निकायों के निर्वाचन में 35,509 मतदाता 123 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 17,706 पुरुष और 17,803 महिला मतदाता शामिल हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों की मतगणना उसी दिन 10 जनवरी को स्थानीय निकायों के मुख्यालयों पर की जाएगी। ऊना में पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए SDM ऊना डॉक्टर सुरेश जसवाल ने बताया कि शहरी निकाय के चुनाव EVM द्वारा संपन्न होंगे, जिसके लिए मतदान कर्मियों को 3 बार प्रशिक्षण करवाया गया है। SDM ऊना ने कहा कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा के साथ ही कोविड नियमों की पालना करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे सब डिवीजन ऊना में 3 म्यूनिसिपल कमेटी हैं, जिससे कल पोलिंग होनी है। उसमें ऊना में हमारे 11 वार्ड हैं, MC वार्ड हैं, जिसमें हमने 14 पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन जो स्थापित किए। उसी तरह महतपुर में 9 पोलिंग वार्ड हैं, म्यूनसिपल वार्ड हैं, उनके 9 ही पोलिंग स्टेशन हैं, और संतोषगढ़ में भी 9 हैं। तो इसके लिए तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टी जो हैं मूव कर रही हैं अपने पोलिंग स्टेशन के लिए। इनको पूरी तरह ट्रेनिंग दी गई है, और चूंकि ये जो MC इलेक्शन जो पोलिंग होनी है, इसमें EVM की होनी है, इसके बारे में पूरा इनको ट्रेनिंग दी गई है। 3-3 रिहर्सल की गई हैं, और देखने की बात है इसमें मेल एंड फीमेल जो हैं पोलिंग पार्टी मेंबर्स हैं, इनका विशेष रहने का भी वहाँ प्रबंध किया गया, इनको वहीं रुकना है। और इलेक्शन मटेरियल अभी इनको दिया जा रहा है, ये मूव कर रही हैं। सेक्टर अफसर सुनिश्चित करेंगे कि वो पोलिंग बूथ जो है स्थापित कर दिया, और वहाँ पे वो पोलिंग पार्टीज जो है पहुँच चुकी हैं। तो इस तरह से कल जैसे 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, मॉक पोल होगा, और 4 बजे तक होगा। 4 बजे लास्ट में कोविड पॉजिटिव अगर हैं शहर में इन तीनों जगह, तो वो भी वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने तैयारियां कर रखी हैं, सिक्योरिटी पूरी साथ रहेगी, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए ऊना से चंद्रमोहन।